शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका पर निचली अदालत में सुनवाई हुई। वहीं ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का ये मामला 100 करोड़ रुपए का है जो आगे बढ़ेगा। इस दौरान अर्पिता कोर्ट में रोने लगी। अर्पिता ने जज से कहा कि मेरे फ्लैट में पैसा कहाँ से आया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वहीं कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चटर्जी ने कहा कि मुझे पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं मंत्री रहने से पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं। ईडी मेरे बंगले पर 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक रही लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुझे जमानत दी जाए जिससे मैं चैन से जी सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।